शादी के 24 घंटे के भीतर ही एक दुल्हन अचानक अस्पताल पहुंच जाती है। होता यूं है कि अस्पताल पहुंचने के बाद ससुराल वालों को खबर मिलता है कि वो दुल्हन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, यानी उसे एक पेन उठता है, लेबर पेन उठता है, जिसके बाद ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। इसी बीच वो 7 महीने की एक बच्ची को जन्म देती है। आप जरा सोचिए, जिसकी शादी को 24 घंटे भी ना बीते हो, ऐसे में वो दुल्हन 24 घंटे के बाद ही एक डिलीवरी दे दे, एक बेटी को जन्म दे दे, तो ऐसे में परिवार वालों पे क्या बीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा का है, जहाँ 26 जून को एक ग्रेटर नोएडा का लड़का सिकंदराबाद की लड़की से शादी रचाता है। शादी की रस्में होती हैं, इसके बाद वो वहाँ पे रस्में पूरी करने के बाद वो घर आते हैं और ससुराल विदा करके लड़की को ले आते हैं। इसके बाद विदाई के बाद की रस्में होती है ससुराल में, लड़की के ससुराल में विदाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। और इसके जैसे ही मतलब टाइम गुजरते जाता है, वैसे ही लड़की के फेस का रंग बदलते जाता है। ऐसे में परिवार वालों को डाउट होता है कि आखिर इसका रंग फीका क्यों पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि विदाई हुई थी, थकी हारी होगी, इस वजह से उसके चेहरे पे फीकापन दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके आगे की कहानी अगर आपको मालूम होगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल होता यूं है कि सुहाग रात वाली रात होती है वो, जिस वक्त दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन दुल्हन वहां कमरे में जाती है, कुछ ही समय बाद वो अपने पति से कहती है कि उसे पेट में पीड़ा हो रही है, जिसके बाद उसके फेस का रंग देख के भी पति आश्चर्य हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसे मतलब इतने जल्दी हो क्या गया है, तो वो फौरन अपने घर वालों को बताता है कि दुल्हन को पेट में दर्द हो रहा है, जिसके बाद उसके फेस का रंग देखते हुए तो ससुराल वाले उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जब डॉक्टर की टीम उसकी जांच करती है तो कई ऐसे खुलासे करती है जिससे सुन ससुराल वालों को गुस्सा आने लगता है। होता यूं है कि डॉक्टर ने बताया कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, यानी उसे लेबर पेन हो रहा था। जिस वक्त वो सुहाग रात वाली रात वो अपने हस्बैंड के कमरे में गई थी, उस वक्त उसे दर्द हो रहा था, वो दर्द उसे लेबर पेन का था। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इस लड़की को ऑपरेशन करना होगा, उसे लेबर पेन हो रहा है, बच्ची की डिलीवरी करानी होगी। तो इसके बाद बस्ता भी क्या ऑप्शन है, वो मान जाते हैं और उसके बाद डिलीवरी होती है, एक लड़की का जन्म होता है। यानी शादी को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और 24 घंटे के भीतर वो विदा होके आई थी अपने ससुराल, और 24 घंटे के भीतर ही उसे लेबर पेन होता है और अगले ही दिन वो बच्ची को जन्म देती है। ऐसे में आप सोचिए दूल्हे पर या दूल्हे के परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। अगर आपको मालूम था, लड़की वालों को जाहिर सी बात है कि लड़की वालों के परिवार को मालूम होगा कि आखिर उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, ऐसे में वो छिपा के अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये लोग शादी करते हैं तो पता कैसे नहीं चलता वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, क्योंकि ऐसे में उसका पेट भी जाहिर सी बात है कि पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो ससुराल वाले को शक क्यों नहीं हुआ, वो ये सारी चीज़ें जांच क्यों नहीं की। तो आपको बता दें कि ससुराल वालों को ये चीज़ें बताई गई थी लड़की के मायके वालों की तरफ से कि लड़की को पथरी है, यानी पथरी है, जिसकी वजह से उसके पेट में सूजन रहता है। ये सूजन की वजह से ही उसका पेट आमतौर पे थोड़ा सा निकला हुआ होता है। ये ससुराल वाले भी, लड़की के ससुराल वाले भी इस बात पर मान जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं सही है, लेकिन होता कुछ और ही है। जिसके बाद लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो ससुराल आती है और सुहाग रात वाले दिन उसे लेबर पेन होता है, जिसके बाद अस्पताल में वो एक बच्ची को जन्म देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मायके वाले ने ससुराल वाले पक्ष को झूठ क्यों बोला। आपको चाहिए था चीजें बता के शादी करनी चाहिए थी, या लड़की जहाँ जिससे प्रेग्नेंट थी उसी के यहाँ शादी करनी चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने छिपा के लड़के वालों से उसकी शादी कर दी थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन बीच में ही ये लोग सेटलमेंट करने की बात होती है, जहां दोनों परिवार आमने सामने बैठते हैं और सेटलमेंट कर लेते हैं कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, ससुराल वाले अपने यहाँ नहीं रखेंगे, और इसी पे ये दोनों एग्री कर जाते हैं और पुलिस केस भी नहीं होता और दोनों की सेटलमेंट हो जाती है, लड़की अपने मायके बच्ची को लेकर चली जाती है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इसके पहले पंजाब, हरियाणा, कानपुर से भी ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें दुल्हन अपने दूल्हे से चीट करती है, यानी दूल्हे को पता नहीं होता, और कहीं कानपुर में तो 10 दिन के अंदर ही दुल्हन ने जन्म दिया था,
ये भी चीजें छिपाई गई थी ससुराल वालों से। ऐसे हरियाणा में भी एक लड़की ने किया था कि वो प्रेग्नेंट थी और शादी कर लेती किसी और से और वहां जाके बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ छिपाना पड़ रहा है। जरूरी है कि जो चीजें हो सच्चाई के साथ आप उसे एक्सेप्ट करना सीखें और सच्चाई के साथ आप उसे आगे बढ़ाना सीखें, ना कि इसे छिपा के लोगों से चीट करके फ्रॉड करके आप अपने रिलेशन को और भी खराब करते हैं। इससे होता ये है कि लोग बिलीव करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर लोग देखते हैं सुनते हैं ये सब सारी चीजें, तो असर पड़ता है कि उनके घर पे ऐसा हुआ था, उनके घर पे ये लड़की ऐसी थी। तो जाहिर सी बात है एक लड़कियों पे भी ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग ये चीजें करती क्यों हैं। चीजें अगर होता है तो आपको खुलेआम एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए।